विंड ब्रेकर के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फाइनिजा का चोजी और उमेमिया का फाइट शुरू हो जाता है। एक तरफ बाहर पानी का बारिश हो रहा था, दूसरी तरफ अंदर मुक्को का बारिश हो रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मुक्के और किक्स का बरसात चलाते जाते हैं। हमें देखने मिलता है उमेमिया चोजी के मुंह पे बहुत ही जोर का पंच मारता है, लेकिन चोजी भी कुछ कम नहीं था। चोजी घूम के जाके जंप मार के सीधे उमेमिया के मुंह पे बहुत ही जोर का किक मारता है, लेकिन चोजी यही पर ही नहीं रुकता। वो तेजी से दौड़कर उमेमिया के दोनों पैरों के नीचे से स्लाइड करता है और उमेमिया के पीछे जाकर उमेमिया के शर्ट को खींचता है और उसे पीछे से एक बहुत ही खतरनाक बैक किक मारता है। लेकिन उमेमिया भी कुछ कम नहीं था। उमेमिया इस बार घूम के जाके सीधे चोजी के मुंह पे बहुत ही जोर का पंच मारता है। सभी ऑडियंस उन दोनों का लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। एक तरफ था चोजी का पागलपंती और एक तरफ था उमेमिया का शांत स्वभाव। चोजी इसके बाद पीछे आ जाता है। चोजी कहता है, ये काफी अजीब बात है, मैं पंचेस तो मार रहा हूँ लेकिन लगता नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं। इसके बाद उमेमिया कहता है, चोजी तुम्हारे पंचेस बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम जानते हो कि ये किस वजह से है। ये इसलिए क्योंकि तुम बिना वजह लड़ रहे हो। चोजी इसके बाद कहता है, एक बार फिर से तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे तुम्हारी बात समझने भी नहीं है। मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम अपना मुंह ना बंद कर लो। चोजी इसके बाद तेजी से भागकर उमेमिया के पास जाता है और एक जंप मार के जैसे वो उमेमिया को पंच मारने जा ही रहा था, तभी अचानक से वो नीचे झुक जाता है और नीचे से उमेमिया के बिल्कुल थोबरे पे बहुत ही जोर का पंच मारता है। लेकिन उमेमिया चोजी को उठाकर धोबी पछार मारता है और उसे एक के बाद एक पंचेस मारते जाता है। उमेमिया कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे पंचेस का कोई भी असर मेरे ऊपर नहीं होता। उमेमिया एक के बाद एक पंचेस मारते मारते चोजी का थोबरा बिगाड़ देता है। सारे ऑडियंस का नजर उमेमिया और चोजी की इस फाइट में था। इसके बाद चोजी धीरे धीरे उठकर खड़ा होने लगता है। चोजी कहता है, तुम मुझसे जो भी कहो, समय आने पर मैं एक न एक दिन जरूर आजाद होगा और इसी वजह से ऐसे मेरे रास्ते पे आना बंद करो। चोजी एक बार फिर से उमेमिया को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उमेमिया इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डॉश करता है। उमेमिया इसके बाद पूछता है, आखिरकार तुम आजाद होने किसे कहते हो? चोजी यहाँ पर उमेमिया को किक मारता है, लेकिन उमेमिया अपने हाथों की मदद से इसको ब्लॉक करता है। चोजी कहता है, आजाद होने का मतलब ताकि मैं मजा उठा सकूं। उमेमिया इसके बाद पूछता है, आखिरकार तुम मुझे उठाना किसे कहते हो? चोजी उमेमिया को पंच मारते मारते कहता है, जैसे कि मैं तुम जैसे स्ट्रॉन्ग लड़कों के साथ मिलता हूँ और इसे ही मजे उठाना कहते हैं। उमेमिया इसके बाद कहता है, इतना सब होने के बावजूद भी तुम बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे। ये बात सुनकर चोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद उमेमिया कहता है, तुम्हें अपने आप के बारे में कुछ नहीं पता और इसी वजह से तुम अंदर से बहुत ज्यादा खाली हो। तुम हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हो, अगर वो होता तो कैसा होता, अगर ये होता तो कैसा होता। मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे टीम के ऊपर तरस आता है जिनके पास तुम्हारे जैसे लीडर है, लेकिन चोजी अभी भी तुम उनका लीडर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने इस एक्सप्रेशन को बदलना होगा। ये कहने के बाद ही उमेमिया तेजी से जाकर चोजी के मुंह पे बहुत ही जोर का एक पंच मारता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेने यहाँ पर कहता है, मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मैं फुरिन पे आया और उमेमिया हमारे टीम का टॉप लीडर है। चोजी यहाँ पर अपने मन ही मन कहता है, ऐसा एक्सप्रेशन, आखिरकार वो क्या कहना चाहता है? अभी मेरे टीम के मेंबर्स कैसे दिखते हैं? हमें देखने मिलता है चोजी अभी जब भी अपने टीम मेंबर्स को देखने की कोशिश करता है, हमेशा उसके आंखों के सामने ब्लर आ जाता है और उसे उसके टीम मेंबर्स का फेस नहीं दिखता। चोजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। चोजी यहाँ पर कहता है, मुझे अभी कुछ नहीं पता और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ये सब है क्या? अभी से मुझे उमेचान की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चोजी यहाँ पर मन ही मन कहता है, आखिर आसमान में कब से ऐसा अंधेरा छाने लगा? यहाँ पर बहुत अंधेरा और बहुत ठंड है, हर जगह सूखा हुआ, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए मुझे हमेशा अपने अंदर खालीपन महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल एक रेगिस्तान में बदल चुका है। आखिर मुझ में क्या कमी है? मुझे अभी और कुछ नहीं पता, सब कुछ मेरे लिए बेवजह है। चाहे मेरे पास कुछ भी आ जाए, चाहे मैं कुछ भी हासिल कर लूं, लेकिन मेरा हालत हमेशा एक ही रहती है और अगर मेरे साथ ऐसा ही होना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग चोजी के गुस्से वाला मूड देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। इससे पहले चोजी का इतना गुस्सा किसी ने भी नहीं देखा था। चोजी यहाँ पर एक के बाद एक तोगामे के ऊपर किक्स मारते जाता है। सबसे पहले चोजी उमेमिया के पेट पे किक मारता है और इसके बाद वो घूम के जाके उमेमिया के बिल्कुल मुंह पे बहुत ही जोर का किक मारता है और इसके बाद उमेमिया के पैर के साथ अपने पैर को फंसा के उमेमिया को जमीन पे ढकेल देता है और इसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह के ऊपर लगातार पंचेस मारते जाता है।
और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। लेकिन उमेमिया फाइट बैक नहीं कर रहा था, जो सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। दूसरी तरफ उमेमिया को इतना ज्यादा पीटते हुए देखकर साकुरा का हिल जाता है। तभी हिरागी साकुरा को बैठ के सब कुछ देखने के लिए कहता है। साकुरा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ एक एक पंचेस खाते खाते उमेमिया का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। इसके बाद उमेमिया कहता है, मुझे माफ कर देना चोजी, मैं तुम्हारे साथ ऐसे हालत में नहीं लड़ना चाहता था। चोजी ये सब बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक बार फिर से उमेमिया को एक के बाद एक पंचेस मारते जाता है। लेकिन उमेमिया यहाँ पर चुप नहीं बैठता। वो कहते जाता है, तुम हमारे बहुत ही करीब पहुंच चुके हो, अगर तुम ऐसे अपने जिंदगी पश्चाताप के पीछे खराब करना चाहते हो तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम अपनी जिंदगी भर सिर्फ यही चीज का पश्चाताप करोगे। चोजी यहाँ पर उमेमिया के मुंह से निकले हुए एक एक बात सुनकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक के बाद एक पंचेस उमेमिया को मारते जाता है। और आखिर में जाकर हमें देखने मिलता है चोजी अपने सर को उमेमिया के बिल्कुल छाती के ऊपर रखता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उमेमिया भी अपने हाथों को आगे बढ़ाता और चोजी को गले लगा लेता। उमेमिया कहता है, जवाब तुम्हारे पास है चोजी, तुम्हारा जवाब तुम्हारा दिल है। एक बार फिर से चोजी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। चोजी तुरंत उमेमिया से दूर हटता है। चोजी कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद उमेमिया धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उमेमिया यहाँ पर कहता है, क्या तुम्हें उस वक्त का याद है जब शिशी तोरेन और फूरेन के बीच में ऐसे ही लड़ाई हो गई थी। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने मिलता है। ये कहानी था शिशी तोरेन और फूरेन के बीच में एक लड़ाई का। शिशी तोरेन उस लड़ाई में जरूर हार गया था, लेकिन चोजी के चेहरे पे तभी स्माइल था। इसके बाद उमेमिया कहता है, पहले तुम्हारे हाथों में और भी ज्यादा ताकत हुआ करते थे, पहले तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सा चमक था, पहले तुम अभी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। आखिर तब तुम्हारे आसपास क्या होता था, तुम अपने आंखों से तभी क्या देखते थे। ये सब बात सुनकर चोजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उमेमिया धीरे धीरे चोजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चोजी यहाँ पर उमेमिया को उसके पास आने के लिए मना करता है और यहाँ पर चोजी स्ट्रेस में आकर उमेमिया को एक बहुत ही जोर का किक भी मार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी उमेमिया नहीं रुकता, वो धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाने लगता है। चोजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे लगने लगता है कि उमेमिया उसे मारेगा। लेकिन अचानक से उमेमिया अपने दोनों हाथों से चोजी के दोनों कानों को बंद कर देता है। चोजी महसूस करता है कि उमेमिया के हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म है। इसके बाद उमेमिया कहता है, अच्छी तरीके से सोचो इसके बारे में चोजी, तभी तुमने अपनी आंखों से क्या देखा था और वही तुम्हें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद उमेमिया अचानक से चोजी को एक बहुत ही जोर का हेडबट मारता है और चोजी यहाँ पर सीधे फ्लोर में गिर जाता है। अचानक से चोजी को अपने पुराने दिनों के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर तोगा में और उसके दोस्त एक साथ थे और वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसके बाद हमें पास का और एक किस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन हमें देखने मिलता है चोजी एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते। चोजी के दोस्त आकर कहते, चोजी अगर तुम नेक्स्ट जनरल बनना चाहते हो तो तुम ऐसे बिल्लियों के साथ हरकतें नहीं कर सकते। चोजी यहाँ पर मुस्कुरा के पूछता है, लेकिन उसमें लड़ेगा कौन? चोजी के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग कहते हैं, चोजी तुम आगे जाकर सच में बहुत ही बड़े आदमी बनोगे। चोजी भी तभी बहुत ही ज्यादा खुश था। चोजी यहाँ पर मन ही मन ख्वाहिश करता है ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर रुक सके। इसके बाद अचानक से हमें देखने मिलता है चोजी कहीं पर पहुंच चुका है और उसके चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। चोजी देखते हैं उसके आसपास कोई नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे करके फाइनली चोजी अपने आंखों को खोलने लगता है। वो जैसे अपने आंखों को खोलता है उसे सामने तोगा में देखने मिलता है, जो बहुत ही सैड दिख रहा था। चोजी यहाँ पर पूछता है, कामेचान आखिर तुम इतना दुखी क्यों हो? सभी की नजर यहाँ पर चोजी की तरफ था। इसके बाद चोजी अपने पास खड़े रहने वाले उमेमिया की तरफ देखता है। इसके बाद चोजी को याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद चोजी कहता है, कमीशन मैंने पुराने दिनों का एक सपना देखा, जहाँ पर हम सभी एक साथ थे और हम सभी के बीच मजाक मस्ती सब कुछ चल रहा था। और मुझे लगता है अभी मैं समझ चुका हूँ कि मैंने भी अपने समय पे बहुत सारे मस्ती किया है, तो भी तुम अपना दिल खोल के हंस सकते हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर तोगा में बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना चोजी, मैंने तुम्हें अकेले इस हालत में छोड़ दिया, जबकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा भुगत रहे थे। तब मैंने ये सभी को दूर हटने के लिए कहा था, मैं उन सभी को अपने हाथों से मारता था ताकि वो सभी तुम्हें इन सब की वजह से हेट न कर पाए। तुम जिस दुनिया का ख्वाहिश करते थे, जहाँ पर तुम्हें सभी से बहुत सारा प्यार मिलता और जहाँ पर मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, ऐसे सपनों का दुनिया तैयार करने के लिए मैं उस दिन बारिश भरे दिन में पीछे हट गया था। लेकिन मैंने प्रण लिया, एक शिशी तोरेन का मेंबर होने के नाते मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मुझे तुम्हारे साथ बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, मैं उस दिन तुमसे नहीं लड़ रहा था, मुझे माफ कर देना, मैंने इतने दिन तक सवालों का जवाब नहीं ढूंढा, मुझे माफ कर देना। इसके उत्फानी जाकर चोजी कहता है,
कामेचान, मुझे लगा था कि टॉप पे पहुंचने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और जब मैं टॉप पे पहुंचा तब मैंने देखा मेरे खजाने का बॉक्स बिल्कुल खाली है और ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे सामने सभी कुछ बिना मतलब के आने लगे। मुझे जल्दी से कुछ करना था और मैंने इन सब का ब्लेम सभी के ऊपर दे दिया। इन सब में तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है कामेचान। मैंने कहा था कि हमारे टीम में कमजोरों का कोई भी जगह नहीं। पहले हम सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर हंसा करते थे। मैंने कभी रियलाइज नहीं किया आखिरकार मैं इस पूरे मौके पे मैं ही फ्री था। और ऊपर से बुरी बात यह है कि मैंने ही अपने इन दोनों हाथों से इन सब को तोड़ा है। इसके बाद चोजी अपना हाथ तोगामे की तरफ करता है और कहता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाते तो मेरे पास आज कुछ भी नहीं रहता। उमेचान ने मुझे इस तरीके से मुंह बनाने से इनकार किया है। शायद तुम ऐसे हालत में बहुत सालों से दिख रहे होंगे लेकिन तुमने मुझे बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड रखा कामेचान, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रक्षा करने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे माफ कर देना कामेचान, मुझे सच में माफ कर देना। एंड दैट्स इट फॉर द विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो से वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।